हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं बैगन में। देखिए मेरे कितने फूल आए हैं और उतने ही मेरे बैगन भी लग गए हैं, लंबे वाले बैगन हैं। और देखिए आज माली भैया आए हैं तो मैंने कहा चलो आज बैगन की हार्वेस्टिंग, थोड़ी सी टमाटर तोड़ेंगे, थोड़ी से फली तोड़ेंगे, सेम फली। तो सिर्फ आज हार्वेस्टिंग का ही दिखा रही हूँ। देखिए इतने सारे बैगन लगे हैं और मतलब बैगन तो बहुत लगे हैं लेकिन जो बड़े हो गए हैं उन्हीं को तोड़ रहे हैं। तो छोटी सी हार्वेस्टिंग है लेकिन देखिए पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरा तो गार्डन जब मैंने इसको पूरा मेकओवर चेंज किया है ना थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा खुला खुला एकदम नीट एंड क्लीन और स्टैंड पे रखे हैं मैंने पूरे बैगन के पौधे, टमाटर के पौधे। देखिए इतने बैगन एक ही पौधे से निकले हैं, दो तीन पौधे में हैं जो तोड़ने लायक है, बाकी में छोटे छोटे हो रहे हैं, लग गए हैं बैगन, बहुत आए हैं, छोटे छोटे से आए हैं। ये देखिए इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है आज बैगन की, शुरुआती बैगन की हार्वेस्टिंग से किया है। तो देख देख कर का तोड़ रहे हैं जो थोड़े बड़े हो गए ना। और मेरे पता है बैगन के पौधे में ना कांटे हैं, अब देखिए इनके पत्तों में भी और बैगन में भी जो निकाल रहे हैं ना हमारे लंबे वाले बैगन सारे, इनमें तो इतना फूल आया ना, जितना फूल आया उतना बैगन लगा है और मतलब गुच्छा गुच्छा आया है बैगन भी। बस बैगन के और नहीं निकलेंगे बैगन ये है। और ये देखे टमाटर भी मेरे पक गए हैं, ये देसी टमाटर है जो मेरा हो गया है। देसी टमाटर तो लगा ही था, बाकी मैंने हाइब्रिड भी आपको दिखाया था पहले भी कि हाइब्रिड टमाटर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरा, लेकिन लग रहे हैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हाइब्रिड। अब टमाटर मैंने कहा जितने देसी टमाटर मेरा पक गया है उनको तो तोड़ो, हाइब्रिड का तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है अभी कि ग्रोथ करेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ छोटे छोटे टमाटर में ही वो ख़राब हो जा रहा है और कुछ टमाटर छोटे छोटे में ही पक जा रहे हैं। देखिए माली भैया को ही मैंने बोला है कि आप तोड़ दो ये वाले भी सारे जो है, जो देसी टमाटर, ये सारा देसी टमाटर है। देसी टमाटर मेरा काफ़ी लगा हुआ है और काफ़ी पक भी रहा है, पकना शुरू हो गया है। तो देखिए जितना निकलेगा लेकिन अच्छा निकलेगा, अपने गार्डन का है, कोई केमिकल्स फ्री है एकदम, कोई केमिकल नहीं है ग्रोथ करने के लिए, कोई मैंने वो डाला नहीं फर्टिलाइज़र की जल्दी जल्दी ग्रोथ करे मेरा, और सिंपली खाद मिट्टी में तैयार की गई है मिट्टी। और देखिए इतना टमाटर लगाया ना, चार पांच टमाटर तो ना मेरे देसी हाइब्रिड है जो कि इतने फैल गए, इतने फैल गए, इतने उसमें टमाटर आ रखे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वो छोटे छोटे में या तो ख़राब हो जा रहे हैं या छोटे छोटे में ही पक जा रहे हैं, जैसे चेरी टमाटर होता ना उतना ही साइज़ है बस उनका। तो बस मैंने बोला जितने टमाटर मेरे देसी टमाटर है वो तो तोड़ो कम से कम। बस ये सारा हाइब्रिड है जो पीछे दिख रहा है ना, ये सारा हाइब्रिड टमाटर है बस, और नहीं लग रहा है मुझे देसी टमाटर और भी निकलेंगे। बैगन की हार्वेस्टिंग हो गई, टमाटर की हार्वेस्टिंग, इतना बैगन निकला, इतना टमाटर निकला है। ये देखिए बैगन, देखिए बैगन के ऊपर भी कांटे दिखा रही हूँ ना मैं आपको, इसके इस पर भी कांटे हैं। और ये है टमाटर, इतना टमाटर निकला है। होगा ना आधा किलो, आधा किलो तो होगा। मैंने उसको बोला माली को कि वो जो है ना सेम फली भी मेरे हो गई है थोड़े हार्वेस्ट करने लायक, पहले भी मैंने किया है, सेकेंड टाइम कर रही हूँ, पहले भी तोड़ी थी। तो आज देखिए माली उसको भी तोड़ रहा है, ये देखिए सेम फली को फूल भी बहुत आए हैं लेकिन इतना ही है, पहले भी मेरी इतनी ही किया था, इस बार भी इतनी किया है। लेकिन अब बेल ना ऊपर को ग्रोथ नहीं कर रही है, इतना ही पौधा रह गया है। पहले तो इसमें मटर के साथ ये पूरा उलझा गया था, अब तो मटर के पौधे हट गए हैं और दूसरे पौधे लग गए हैं सीजनल जो मेरे सब्जियों के हैं। घिया का आ गया है मेरा, देखिए उसके साथ घिया लग गया है, इतने इतनी सेम है ये देखिए। और फूल अभी आ ही रहे हैं तो इतने तो मेरे सेम निकले हैं। ये तो 250 ग्राम ही होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि 250 ग्राम पहले भी निकले थे, 250 ग्राम अब भी निकले हैं। तो देखिए ये है बस आज की हार्वेस्टिंग। और ये मेरा गार्डन, देखिए इतनी मेरे टमाटर निकले हैं, इतना मेरा फली नया सेम फली, और ये है बैगन।
बस इतने की ही आज हार्वेस्टिंग हुई है। थोड़ी सी सब्जी मिली है लेकिन नहीं, ठीक है, जितनी मिली बहुत अच्छी मिली। इतना बैगन मुझे बहुत दिन में मिल ही जाएंगे, बस इतना सा ही वीडियो देना था फ्रेंड्स।